हेलो एस्पायरेंट, स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए जुड़ते हैं मेंस की तैयारी के साथ और यहाँ पर आप लोगों के प्रेजेंट है टारगेट 3 मार्कर्स के शॉर्ट वीडियोस। टारगेट 3 मार्कर्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का रहेगा भाई पेपर वन वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। इसका यूनिट 5 थोड़ा सा हमें दिक्कत देता है और उसी दिक्कत को हम सॉल्व करेंगे थ्रू दीज वीडियोस। यूनिट 5 में है क्या? यूनिट 5 में है डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। तो भाई यहाँ के जो राजवंश हैं उनके बारे में जानकारी लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश में जो पहली डायनेस्टी हम कवर करने वाले हैं वो है आपकी गोंडवाना डायनेस्टी। ध्यान दीजिएगा भाई, कौन सी डायनेस्टी है? गोंडवाना डायनेस्टी। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। तो चलिए आज हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं गोंडवाना डायनेस्टी का और फिर आगे इसी तरीके से सारी चीज़ें कवर अप करते जाएंगे। देखिए, जब भी हम किसी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, किसी राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहली दिमाग, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है कि भाई अगर आप इस चीज़ की कहानी कह रहे हैं, इस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो आपको वो कहाँ से मिला। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्स। किसका सोर्स? जिस भी जानकारी की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यहाँ गोंडवाना डायनेस्टी की, ठीक है? तो भाई ये गोंडवाना डायनेस्टी के बारे में आपको कहाँ से पता लगा, इसका सोर्स क्या है, ये हमारी हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए, ठीक है? तो उसी तरीके से मैं आपको बता दूँ कि 3 जगह से हमें गोंडवाना डायनेस्टी का मेंशन मिलता है। पहला क्या था भाई? रामायण में से, राइट? रामायण ये कहती है कि दंडकर्ण्य रीजन, यानी कि छत्तीसगढ़ अमरकंटक वाला ये जो रीजन है, दंडकर्ण्य रीजन जिसको कहते हैं, यहां पर कुछ लोग रहा करते थे जिन्हें हम गोंड कहते थे, यानी कि एक जनजाति रहती थी जिसे हम गोंड कहा करते थे। ये किस में लिखा भाई? रामायण से मिला। तो पहला सोर्स क्या हो गया गोंड डायनेस्टी का भाई? पहला सोर्स हो गया आपका रामायण, ठीक। दूसरी बात, हमें दूसरी कहानी पता चलती है रामनगर के संस्कृत इंस्क्रिप्शन से। कहाँ से पता चली भाई? रामनगर के संस्कृत इंस्क्रिप्शन से। ये रामनगर आज के समय पर मध्य प्रदेश की सतना डिस्ट्रिक्ट का एक छोटी सी जगह है, ठीक है? तो भाई इस रामनगर से हमें एक संस्कृत आर्टिकल मिला, या कह सकते हैं शिलालेख मिला, इंस्क्रिप्शन मिला। इस शिलालेख में क्या लिखा गया? इस शिलालेख में कहा गया द फर्स्ट मेंशन ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ गोंड डायनेस्टी। पहली बार हमें किसी शिलालेख, किसी राइटिंग जगह से ये पता चला कि भैया गोंड डायनेस्टी जो है वो पॉलिटिकली, यानी कि राजनीतिक तौर पर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। कहां से मिला? फ्रॉम द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ रामनगर। पहला पॉइंट लिख लिया आपने 3 मार्कर्स का। आगे बढ़ेंगे भाई, इसके अंतर्गत हमें 54 रूलर्स की इंफॉर्मेशन मिली है। बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ 54 रूलर्स, जिसमें यादव राय से लेकर के हृदय शाह तक का मेंशन आपको मिला है, ठीक। क्या मिला है भाई? यादव राय इनके संस्थापक थे और इसके आखिरी रूलर हृदय शाह रहे। ऐसा कौन हमें बताता है? रामनगर का संस्कृत इंस्क्रिप्शन हमें बताता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, इसको गढ़वाया किसने, इसको लिखवाया किसने भाई? तो इट वॉज एनग्रेव्ड इन 1667 AD। ध्यान दीजिएगा, इट वॉज एनग्रेव्ड इन 1667 AD बाय गढ़ा रूलर जिसका नाम था हृदय शाह, ठीक है? ये लोग जहां रहते थे उस जगह को हम क्या कहते थे? गढ़ रीजन कहते थे, जिसमें आज हम मंडला इंक्लूड करते हैं, है ना? गढ़मंडला कहते हैं हम लोग। तो चलिए, रामनगर का संस्कृत इंस्क्रिप्शन हमें गोंड डायनेस्टी के बारे में बताता है। ये एक पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन था, शिलालेख था, जिसमें हमें राजनीतिक बात पता चलती है भाई, किसकी? गोंड डायनेस्टी की, राइट? इसमें यादव राय से लेकर हृदय शाह तक के 54 शासकों का उल्लेख मिलता है। गढ़ शासक हृदय शाह द्वारा 1667 में इसको उत्कीर्ण किया गया या फिर एनग्रेव किया गया। ये आपका हो गया रामनगर इंस्क्रिप्शन।
ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पहली बार हमें रामायण से इसका मेंशन मिला, दूसरी बार हमें रामनगर के संस्कृत इंस्क्रिप्शन से इसका मेंशन मिला, तीसरी बात हमें एक और श्लोक के कलेक्शन से हमें इसका मेंशन मिलता है। ठीक है, एक श्लोक का कलेक्शन था जिसका नाम क्या है भाई, नाम देखिए, गणेश श्री परवरनानम। ठीक है, गणेश श्री परवरनानम था क्या भाई, कभी तीन मार्कर में आ जाए तो हम तो नाम देख के घबरा जाएंगे कि ये तो पता ही नहीं है क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है, इट इज द संस्कृत श्लोक। ये क्या है, ये संस्कृत श्लोक का एक कलेक्शन है। ठीक है, जो कहां से निकल के आया, गणेश श्री परवरनानम से निकल के आया। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि देयर वर 62 रूलर्स ऑफ दिस पीरियड। हम गोंड डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, ये कहता है कि इसमें 63 रूलर्स थे। ठीक है, जिसमें 54 वर्सेस में मेंशन है, यानी कि इस श्लोक में मेंशन है। कितने मेंशन है बेटा, 54 मेंशन है, इंक्लूडिंग देयर रीन पीरियड, यानी कि इसके साथ साथ उनका जो शासन काल है वो भी इस श्लोक में मेंशन देखने को मिला। ठीक है, चलिए फटाफट से पढ़ेंगे। गणेश श्री परवरनानम क्या था भाई, गणेश श्री परवरनानम एक संस्कृत श्लोक का कनेक्शन है। क्या है, संस्कृत श्लोक का कलेक्शन है जिसमें हमें गोंड डायनेस्टी के रूलर्स, ठीक है, और इसके साथ साथ उनके रीन यानी कि उनके समय काल, उनके शासन काल की भी बेहतरीन जानकारी मिलती है। तो अब बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, अगर मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूं कि भैया राइट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री फॉर गोंडवाना डायनेस्टी एज अ फाइव मार्कर, लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे अगर आपने इस चीज को आसानी से समझा हो तो। ठीक है, तो इसको एज अ होमवर्क लिखिए कि भैया राइट सोर्सेस फॉर व्हाट, फॉर हिस्ट्री ऑफ गोंडवाना डायनेस्टी। तो तीन सोर्स रामायण, गणेश श्री परवरनानम और रामनगर का एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन है जो हमें गोंडवाना डायनेस्टी के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी मैं यहाँ पर गोंड की बात करूंगी। देखिए गोंड जनजाति की अगर हम बात करें तो दंड कन्या रीजन, छत्तीसगढ़ अमरकंटक, और अगर बात करें तो गढ़ मंडला वाला रीजन जो है ये इन्होंने कवर किया रखा था। अगर आज देखें तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब रिसाइडिंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत ही बड़ी ट्राइब में गिनी जाती है, ये भी आप लोगों को पता है। अगर हम इनके ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो भाई इनकी जो, इनका जो ज्योग्राफिकल फीचर है वो कुछ इस तरीके का है कि इनकी पॉइंटेड चिन होती है, छोटा फेस होता है, आईज और हेयर्स, और इसके साथ साथ जो स्किन का कलर है ये थोड़ा सा डार्क होता है। ठीक है, आगे आते गए तो हिस्टोरियंस ने इनको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया भाई, क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल परफॉर्मेंस इन्हें क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। अगर क्वेश्चन बनता है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ गोंड्स, तो हम बिल्कुल इसको लिखेंगे, गोंडों का वर्गीकरण की बात यहां पर करेंगे। एक यहां पर हिस्टोरियंस थे जिनका नाम था जेनकिंस, अ हिस्टोरियन हुज नेम्ड वॉज जेनकिंस। इन्होंने गोंड को अलग अलग रीजन के हिसाब से डिवाइड किया जिसमें एक था मंडला गोंड्स। ठीक है, अब मंडला गोंड्स कौन होंगे, जो मंडला के क्षेत्र में रिसाइड कर रहे थे। ठीक, पहला क्लासिफिकेशन, आगे बढ़िए, नेक्स्ट यहां पर क्या था भाई, खटोला गोंड्स ऑफ खटोला, ये कहां के थे, ये सागर दमोह के रीजन के थे। फिर आते हैं हम यहां पर जरिया गोंड्स ऑफ चंदा रीजन, ठीक, इसके बाद आइए देवगढ़िया गोंड्स ऑफ देवगढ़ रीजन। तो बेसिकली जेनकिंस वो व्यक्ति थे, जेनकिंस वो हिस्टोरियंस थे जिन्होंने गोंड्स को चार यहां पर लोकेशन के हिसाब से डिवाइड किया। सबसे पहले आपने पढ़ा था मंडला गोंड, ठीक, दूसरा आपने क्या पढ़ा, खटुला गोंड, तीसरा आपने पढ़ा जारिया गोंड, और आखिरी में आपने पढ़ा देवगढ़ गोंड। इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाकर भी हम इजी तरीके से लिख सकते हैं अगर क्लासिफिकेशन ऑफ गोंड्स का क्वेश्चन बनता है तो, आइदर इट इज इन थ्री मार्कर और इट इज इन फाइव मार्कर। ठीक है, इट लाइज विद बोथ ऑफ द आंसर्स।
ठीक। अब कल हम क्या करने वाले हैं, इसका एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसमें राजगोंड और दुर्गोंड के बारे में पढ़ा जाएगा और तीन मार्कर्स की तैयारी की जाएगी। तो पहले हमारा टारगेट है गोंडवाना डायनेस्टी को कंप्लीट करना। इसी तरीके से थ्री मार्कर्स के माध्यम से हम सारी डायनेस्टीज को कवर अप करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद फोर्स एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।